लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और बीमारी फैलती गई। मलिक अपना पूरा वक्त विदेशी गैंगों के साथ कंपनी को और बढ़ाने में लगाया। मुंबई का कामकाज चंदू पर छोड़ दिया। अरे चंदू से क्या बात करने का, मैं बोल रहा हूं ना। ये देख। अच्छा ठीक है, चंदू भाई से बात कराऊंगा। क्या हुआ? हम लोग क्या इस धंधे में इतने साल से झक मार रहे हैं क्या? अब वो अली बोलता है पहले चंदू भाई से बात करवाओ, बाकी सब लोग क्या इधर झाड़ू मारने के लिए रखे हैं? ज्यादा बात का बतंगड़ मत बनाओ यार। बतंगड़? मुंबई में सब लोग चंदू भाई बोल रहे हैं। अरे मलिक भाई का नाम तक भूल रहे हैं लोग। जलना छोड़ देगा तो यादव थोड़ी रहेगा। चंदू से उसको वही तकलीफ है जो सईद और शर्मा को मुझसे थी। वो मैं समझता हूं मलिक, लेकिन एक ही आदमी के हाथ पे इतना कंट्रोल देना मुझे जरा खटक रहा है। हमें वही गलती नहीं करनी चाहिए जो असलम भाई ने तेरे साथ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे चंदू पर शक है, लेकिन ऐसे हालात ही क्यों पैदा होने दे जिससे किसी के मन में ये बात है। किशनन। अरे जोसेफ, ये डेविड है, डेविड खान। मलिक भाई बहुत Hello. खास। हेलो। नाम पे मत जा, थोड़ा मदर फादर संगा। चल कृष्णन, तू किधर से आया? मैंने बुलाया था। क्या है कृष्णन कि चंदू पे काम का बोझ जरा पड़ गया है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा उसका काम तू पाड़ गया। मतलब ये कि कुरला, चेंबूर, घाटकोपर, विक्रोली, उस तरफ का सब काम तू देख और उसके बारे में तू सीधा मेरे से बात कर। चंदू को परेशान करने की जरूरत नहीं। अरे देख क्या रहा है साले, तेरा प्रमोशन हो गया है, ये बता पार्टी कब दे रहा है? चंदू ये क्या है? क्या मेरे को अब से कृष्णन की जमादारी करनी है क्या? मेंटल, जमादारी का क्या है इसमें यार? तेरे को मालूम है ना मेरा जमता नहीं है उसके साथ। अरे बच्चा है क्या तू? इसके साथ नहीं जमता, उसके साथ नहीं जमता है, कृष्णन से शादी करने के लिए बोल रहा हूँ क्या? अरे काम कर अपना बस ठीक से। लेकिन ये अचानक हुआ क्या है? क्या कुछ लफड़ा हुआ है क्या उधर? अरे क्या लफड़ा, उल्टी खोपड़ी है तू सच्ची। अरे तेरे दिमाग में कभी सीधी बात आती है कि नहीं? देख धंधा बढ़ रहा है, काम फैल रहा है, ढंग से करने का अपने को। अब मेरे सर पे फालतू की छोटी छोटी इधर उधर की बातें आती रहती है, थोड़ा उसके सर पे डाल दिया बस। बात खत्म, अभी तो जास्ती सोच मत और अपना दिमाग मत लगा, समझा? रखता हूँ, चल। जोकर है साला, कुछ भी बोलता रहेगा मेंटल। तेरे को मालूम है ना बचपन से ऐसे ही छे, कुछ भी पक पक करता रहता है, तू टेंशन मत ले। ताला खोल दे इसका, अंदर ले जा। लेकिन चंदू तो बच्चों के पीछे पागल है। बच्चे? क्या बच्चे? क्यों यादव, तुझे पसंद है बच्चे? अरे बच्चे मन के सच्चे, आंख के तारे, दुनिया के प्यारे, पर मेरा बस चले तो कुएं में गिरे सारे। ए क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या तू? ये कोई मजाक करने का तरीका है? चंदू शायरी का शौक है। भाई इसको शायरी वायरी का शौक नहीं है, इसकी एक ट्रेजेडी है। बताऊं? बता। दीदी क्या है ना, हम लोग गांव में थे। क्या बकवास कर रहे थे? दीदी को बता देते हैं, दीदी को। ये ना, ये कुएं में नहाने के लिए उतरा। अभी चुप कर, नहीं तो मार खाएगा मेरा। तेरे को बोला ना मैं चुप कर, अभी देख। पूरा तो बताने दे, बता। ऊपर से बच्चे इसके सारे कपड़े ले गए। तेरी तो साला, चुप कर देख, जोसेफ चुप कर देख। अब ये ना, ये केले के पत्ते लगा के ऐसे ऐसे जा रहा था, तो पीछे बकरियां पड़ गई। साले तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या समझता है बकरियां ने पत्ते? क्या समझता है? बोल ना, रुक। काय का डन, अगर मैं भी मलेशिया, सिंगापुर, किधर का एक टिकट निकाल कर उधर निकल गया
तो मैं डाउन हो जाएगा। साला कंपनी का झंडा अपन उठाता है और जो अपने हाथ में पिस्तौल लेकर गेम बजाता है ना वही असल डॉन है। और बदले मिलता क्या है? साला 10-15 हजार रुपया। और उधर वो फोन कर करके खोखा कमाता है। साला फोन पे ऑर्डर झाड़ने से कोई डॉन बन जाता है क्या? अभी मलिक भाई को फोन करके बोल देगा मैं इधर का डॉन है। अब बोल क्या बोलता है? मैं गारंटी देता है मलिक भाई का फूक सरक जाएगा उधर। और अभी ये अपने बिल्डर लोग का क्या है? मार्केट एकदम डाउन है, जमीन का भाव एकदम गिर गया है। पैसे मांगने के लिए फोन कर दो, बोलते भाई मार दो, पैसे नहीं है। अब मारेंगे कैसे? अपने को भी तो मालूम है ना सच बोल रहा है। और ये साले फिल्म वाले पेपर में पढ़ो तो साला करोड़ों की बात करते हैं, खीसे में देखो साला एक पैसा नहीं है। अभी अपने खर्चे तो वही है ना, 150 लोगों को पगार देने का है कि नहीं? तो मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे तेरे को कौन बोल रहा है कुछ करने के लिए? आज मेरा बर्थडे है, तेरे को भी यही बात मिला करने को। अरे अरे बर्थडे बोल के इधर लाना तेरे को। एहसान किया मेरे पे, आज का दिन मैं सोची तो मेरे को बोलेगा कि छोड़, सब बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है? तू बोली क्या मेरे को इधर लाने के लिए? मैं लाया ना, बोलना अभी बोल। ऐसा नहीं है चंदू। अच्छा मेरे को एक बात बता तू। हाँ बता मेरे को, तू आज तक मेरे लिए कुछ लाया है? क्या चाहिए तेरे को बोल। अरे बोलना क्या चाहिए, बोल बोल अभी बोल। वही तो बोलती हूँ ना, सब कुछ बोलना पड़ता है। अरे पागल है, बोलेगी नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा? जो असल में प्यार करता है ना उसे सब मालूम होता है। मतलब मैं तेरे से प्यार नहीं करता हूँ? हाँ। जा ठीक है, नहीं करता। ये भी बोलना ही पड़ा ना। चल चंदू जाने दे। अरे छोड़ ना, जाने दे, छोड़ ना। अरे सब तेरे चलता है क्या? जब झगड़ा करने का झगड़ा, जब ठीक होने का ठीक। मशीन हो क्या? बटन दबाया सब ठीक। अरे चंदू जब गुस्सा होता है ना एकदम अमोल पालेकर जैसा दिखता है। अमोल? अमोल? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी छोड़ ना चंदू, जाने देना, तो लाइन पे आ जाना। नहीं छोड़ेगा तो गुस्सा नहीं छोड़ेगा, देख मैं क्या करेगी। नहीं छोड़ेगा गुस्सा? अरे पागल है तू? यहाँ सब चलता है, पागल फॉरेन है। चंदू मलिक मिलना चाहता है अभी। क्या पंडित जी वारसी? अरे वारसी मलिक भाई के बारे में से बोल ही नहीं सकता है, अरे सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर मैं भी मलेशिया सिंगापुर किधर का एक टिकट निकाल कर उधर निकल गया तो मैं डाउन हो जाएगा। साला कंपनी का झंडा अपन उठाता है और जो अपने हाथ में पिस्तौल लेकर गेम बजाता है ना वही असल डॉन है। और बदले मिलता क्या है? 7-10-15 हजार रुपया। और उधर वो फोन कर करके खोखा कमाता है। साला फोन पे ऑर्डर झाड़ने से कोई डॉन बन जाता है क्या? अभी मलिक भाई को फोन करके बोल देगा मैं इधर का डॉन है। अब बोल क्या बोलता है? मैं गारंटी देता है मलिक भाई का फूक सरक जाएगा उधर। वारसी को फोन दे। हेलो वारसी, चंदू से बात कर। वारसी क्या किया यार तू? वो क्या है, मैं थोड़ा टाइट था चंदू भाई, उस टाइम मुंह से कुछ निकल गया होगा। मेरे को क्या मालूम लोग टेप करे ले। तू पागल है क्या? गलती हो गया चंदू भाई, गलती किससे नहीं होता बोल। मेरे को कनपटी में गन रख के घर से उठा के लेके आए इन लोग। हमारे धंधे में एक गलती को माफ करना उससे भी बड़ी गलती है। मालूम नहीं रानी भाई, ये लोग बोलता है कि वो सुरती या कारवेकर गैंग का आदमी लोग होगा, वो तो नहीं मालूम। हाँ चंदू ने खुद बात किया था ना वो वारसी के भाई के साथ, हाँ पैसा भिजवा दिया।
ठीक है फिर मैं रखती हूँ। सब सलाम मलिक की गलती है, सब ठीक ठाक चल रहा था, काय को चालू किया ये कृष्ण का लफड़ा, तभी तो वारसी भड़का। फिर उसको क्या समझेगा, अकल है क्या उसको, दिमाग है, मेंटल सदा दोस्त था मेरा, एक गलती किया मार दिया उसको। तुम्हें क्या लगता है कि मलिक एक राक्षस है जो लोगों को मारकर मजा लेता है? एक बात तो ठीक से समझ ले, कंपनी सिर्फ एक चीज पर खड़ी होती है और वो है डर। आज अगर वारसी को छोड़ दिया ना तो कल 10 और को लेंगे और परसों 100, और मलिक पर पूरी कंपनी की जिम्मेदारी है, और अगर कंपनी के असूलों के खिलाफ कोई गया ना तो वो उसे छोड़ नहीं सकता, चाहे वो वारसी हो, चाहे तू हो, चाहे मैं। अरे भाई क्या बात है, तुम लोगों के घर में मेहमानों को चाय कॉफी नहीं पूछते क्या? लाती हूँ, चाय या कॉफी? चाय। ठीक। सुनो, खाने वाने को कुछ है? चंदू कुछ खाएगा तू? स्विट्जरलैंड जा और नलिन रावते से मिल, पॉलिटिशियन लोगों के साथ रिश्ता बहुत फायदेमंद हो सकता है। कल खुद जाना चाहता था लेकिन उसकी वो साउथ अफ्रीका वालों के साथ मीटिंग है। एक बात का ध्यान रखना, रावते बहुत बड़ी मछली है और आगे चलकर वो मगरमच्छ भी बन सकता है। एनआरआईज हमारे स्टेट में 2,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और उनका वेलकम करने की बजाय हम उन्हें चक्कर कटवा रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। हाँ देखो, मैं कल वापस इंडिया लौट रहा हूँ, बैठो। हाँ, इस केस की फाइल लेकर मुझसे मिलना तो ठीक है। देखिए, मेरे ख्याल से एक बार दिल्ली जाकर आप ठाकुर से मिल लो, आजकल ये एनवायरनमेंट की परमिशन वगैरह बहुत बढ़ गई है। और बाकी कागजात वगैरह, चाय कॉफी कुछ नहीं, इस स्टेज पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा कागज देने से काम बिगड़ भी सकता है। यू आर राइट सर। ठीक है फिर, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तारीफ। पाटिल को जानते हो? होम मिनिस्टर। उससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन वो तो आप ही की पार्टी का है ना? उसको हटाना है। पाटिल को मारना है? नहीं, मारना नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है, स्कैंडल हो जाएगा, इंक्वायरी भी हो सकती है। लेकिन उसको मरना है। मारना नहीं है पर जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। मलिक भाई, मेरे को आदमी ठीक नहीं लगा। हम ठीक है? वो ऐसा जहर है जो पोस्टमार्टम में मालूम नहीं पड़ता। अकरम की अगले पिक्चर की कहानी तू लिख, उसको ऊपर से गिरा दे तो। अगर रोड पे उसका एक्सीडेंट हो जाए तो? पर होगा कैसे, हाईवे पे तो एक्सीडेंट होते रहते हैं ना।
ड्राइवर का क्या होगा? थोड़ी बहुत चोट तो आएगी, मर जाए तो और भी अच्छा है। और अगर पकड़ा गया तो चुपचाप अपनी गलती मान लेगा। लापरवाह ड्राइविंग की सजा कितनी होगी? 6 महीने? 8 महीने? चलो भी उसके साथ। हेलो, ठीक रहे? हाँ बोलो। उसके साथ में 2 बच्चा रहते हैं। अच्छी, हाँ 7-8 साल के। यादव मलिक भाई कहाँ है? तो पर मलिक भाई, हमको पाटिल को मारना है, उसके बच्चों बच्चों से हमको क्या लेने देना? फिर मौका नहीं मिलेगा, उड़ा दे। So all I need to say is that. मलिक भाई, मेरे को बच्चों को मारना ठीक नहीं लग रहा है। ठीक और गलत का क्या है इसमें? पर हमने तो सिर्फ पाटिल की सुपारी ली है ना? तो मेरी तरफ से 2 नाम और जोड़ दे। अरे तू बोल ना, मैं हूँ। कोई भी हो, मना किया। काम कर, तू उसको बोल मैं सुपारी कैंसिल कर रहा हूं। अरे पागल हो गया? चुप बैठ तू, चुप बैठ कर। अरे सटिया गया है क्या? एक ही टाइम। As soon as we finish this thing. मलिक भाई पता नहीं क्या हुआ साले को, सुपारी कैंसिल करने को बोला उसने। कैंकरे है उधर? हाँ मलिक भाई, कैंकरे है उधर। मलिक भाई, अभी अभी चंदू का फोन आया था, बोला नहीं करने का है। मैं बोल रहा हूँ ना, बस उड़ा दे।